क्या काम ऐसा कर दिया मोदी ने, आप कह रहे हैं कि मोदी का एक काम बताओ कोई जो काम अच्छा। आप एक बात बताओ, 370 था और 35A था, किसी में ताकत थी? 47 के बाद से आज तक में किसी के पास ताकत थी कि 370 और 35A को छू सके? इन्होंने हटाया, ठीक है, इन्होंने हटा दिया। 1990 से राम मंदिर का इशू चल रहा था, ठीक है, ठीक है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बट इनके ही गवर्नमेंट में लिया गया ना। सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई प्रतिमा लगाई है, ये तो 47 से नहीं लगाई ना, बट सबने ये पढ़ा है ना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही किया, जिसको आज की डेट में ये कहा जाता है इंडियन आर्मी, वो आज़ाद हिंद फौज को ही तोड़ के इंडियन आर्मी बनाया गया, वही एक्सटेंडेड रूप है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का स्थापना किसने किया? इन्होंने ही किया। आज तक की जितनी भी गवर्नमेंट आई, किसी ने भी इनको वो सम्मान नहीं दिया, ये वो जगह ना खाली दी। आप कह रहे हैं कि ये जो सम्मान नेताजी को दिया था वो मोदी, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया इतने दिनों बाद सम्मान? भाई कांग्रेस ने दिया है सम्मान, हर जगह सम्मान दिया। अगर कह रहे हैं कि इतने दिनों से ये जगह खाली पड़ी रही थी, कांग्रेस ने सम्मान दिया था, यूनिवर्सिटी का नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट चंद बोस को क्यों नहीं, एयरपोर्ट का नाम हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। आप अपने फैमिली से बाहर निकलोगे तभी तो ये लोग दिखेंगे ना। आज़ादी में हमने कभी मुगल छोड़ के कुछ और पढ़ा? हमने कभी भी जो है परशुराम नहीं पढ़ा, हमने कभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा, हमने कभी शिवाजी महाराज नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पढ़ा ही नहीं गया, वो कोर्स में था ही नहीं हमारे पास। आज के डेट में बदलाव आ रहा है, लोगों को मिल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कल मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे इस चीज़ों को तो उनको एक्चुअल कि भारत है क्या वो पता चलेगा। 2024 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर रिटर्न है? क्यों भाई, दूसरा कोई है ही नहीं, बहुत सारे हैं ऑप्शन तो बहुत हैं, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी। भाई 2024 की कहानी, अभी तो 22 चल रही है, 24 आते आते पहले देखो तो सही, एक कुर्सी की लड़ाई में 100 लोग हैं, ये इन लोगों के ऊपर वही चीज है, एक अनार 100 बीमार। अभी इनका पहला एक विपक्ष का चेहरा तो बने कि कौन आएगा, नीतीश कुमार आएंगे, अभी नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ दिया ये बोल के कि वो सबको संगठित करके वो एक बनेंगे। अभी कल ही KCR ने नया अपनी पार्टी एक्सटेंड कर दी BRS के नाम से, है कि नहीं? अब BRS के नाम से करने का मतलब ये है ना कि वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लालू यादव ऑलरेडी रेल मंत्री रह चुके हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, बट है नहीं कोई भी। जहाँ तक रहा केजरीवाल का, है नहीं कहीं पिक्चर में नहीं है, वो क्या है हर चुनाव के पहले वो कि मेरे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सब हैं, ठीक है, शुरू में हवा बनाई जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट अभी कर रही है वो फैक्ट है। क्या काम ऐसा कर दिया मोदी ने, आप कह रहे हैं कि मोदी का एक काम बताओ कोई जो काम अच्छा। आप एक बात बताओ, 370 था और 35A था, किसी में ताकत थी? 47 के बाद से आज तक में किसी के पास ताकत थी कि 370 और 35A को छू सके? इन्होंने हटाया, ठीक है, इन्होंने हटा दिया। 1990 से राम मंदिर का इशू चल रहा था, ठीक है, ठीक है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बट इनके ही गवर्नमेंट में लिया गया ना, और वो मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते थे, आज तक होते आए, जब ये रिजल्ट आया, जब ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई राम मंदिर ही बनना है, आपको पता होगा शायद, आप लोग मीडिया से हैं, उत्तर प्रदेश में एक पटाखा तक नहीं फूटा था कम्युनल राइट्स के नाम पे। तो ये है जो इन्होंने किया, ये वही दिख रहा है। और आज जहां आप खड़े हो, आज नहीं, आज के 6 महीने पहले, अगर आप साल भर पहले आप खड़े होते तो आपको खुद फ़र्क पड़ेगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फ़र्क क्या है। सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई प्रतिमा लगाई है, ये तो 47 से नहीं लगाई ना, बट सबने ये पढ़ा है ना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही किया, जिसको आज के डेट में ये कहा जाता है इंडियन आर्मी, वो आज़ाद हिंद फौज को ही तोड़ के इंडियन आर्मी बनाया गया, वही एक्सटेंडेड रूप है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का स्थापना किसने किया? इन्होंने ही किया। आज तक की जितनी भी गवर्नमेंट आई, किसी ने भी इनको वो सम्मान नहीं दिया, ये वो जगह ना खाली दी। आप कह रहे हैं कि ये जो सम्मान नेताजी को दिया था वो मोदी, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया इतने दिनों बाद सम्मान?
भाई कांग्रेस ने दिया है सम्मान, हर जगह सम्मान दिया। अगर कह रहे हैं कि इतने दिनों से ये जगह खाली पड़ी रही थी, कांग्रेस ने सम्मान दिया था, यूनिवर्सिटी का नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट चंद बोस को क्यों नहीं, एयरपोर्ट का नाम हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। आप अपने फैमिली से बाहर निकलोगे तभी तो ये लोग दिखेंगे ना, ये तो दिखे ही नहीं ना आपको। भारत रत्न ने भी, भारत रत्न भी नहीं दिया कांग्रेस। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप घर से बाहर तो निकलो, आप अपने घर से बाहर निकलोगे तब आपको दिखेगा कि ये लोग भी थे। ठीक है, आज़ादी जो है सिर्फ एक परिवार ने बैठ के नहीं दिलाया था, ये कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको छुपा दिया गया, जिनको छुपा दिया गया। भाई मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी जिस समय टेंथ या ट्वेल्थ किया था या एट्थ पढ़ा था, वो 98-97 के बाद थी। आज के डेट में चेंजेस हुई हैं कोर्स में, हमारे टाइम में तो मुझे नहीं याद है कि हमने कभी मुग़ल छोड़ के, आज़ादी में हमने कभी मुग़ल छोड़ के कुछ और पढ़ा, हमने कभी भी जो है परशुराम नहीं पढ़ा, हमने कभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा, हमने कभी शिवाजी महाराज नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, वो कोर्स में था ही नहीं हमारे पास। आज के डेट में बदलाव आ रहा है, लोगों को मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कल मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे इस चीज़ों को तो उनको एक्चुअल कि भारत है क्या वो पता चलेगा, एक्चुअली भारत है क्या वो पता चलेगा। अभी तक तो हमें से किसी को पता ही नहीं है कि भारत है क्या। आज के 70-75 साल से तो हम यही देख रहे थे कि जो लोगों ने परिवेश बना के रखा सामने कि ये भारत है, भारत क्या था, हमें परिवेश यही बना के दिखाया गया कि हम गुलाम थे, हम 200 साल गुलामी रखे, उसके पहले मुग़ल की गुलामी में थे तो हम गुलाम थे, तो हमें तो शुरू से गुलाम का ही पता है कि भैया हम गुलाम थे। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि भैया हम जो है गुलाम के पहले वी वर द किंग्स, हम वो थे जिसका साम्राज्य जो है आज के अफगानिस्तान और ईरान तक था, अशोका के टाइम पे हम वो थे। ठीक है, हम वो थे जिसने कि मराठा जो शिवाजी महाराज ने जब आए थे तो उन्होंने पूरा साम्राज्य जो हिंदू साम्राज्य था उसको उठा के पूरे भारत से लेके अफगानिस्तान तक फैलाया था। हमें वो नहीं पढ़ाया गया कभी, हमें क्या पढ़ाया गया कि भाई वो इन्वेडर्स आए, अभी इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए जिनको इन्वेडर्स कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत कुछ बनाया, घंटा बनाया, कुछ नहीं बनाया भाई, बनाया जो कुछ भी है, ताजमहल बनाया किसने बनाया, यहाँ के मजदूर थे, उस बंदे को इस चीज़ की डर थी इस वजह से हाथ काट दिया। भाई ब्रिटिश ने ये बनाया ना, ये जो सामने खड़ा है ये ब्रिटिश ने बनाया ना, क्योंकि उनके पास इसके ब्लूप्रिंट्स हैं। ठीक है, उनके पास ब्लूप्रिंट्स हैं, मुगल्स के पास कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं था, बट हमें सिखाया वही गया कि भाई हम शुरू से गुलामी में थे, हमें गुलामी ही समझ में आई, 75 साल से हमें गुलामी ही समझाया गया। आज के डेट में भी जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया ना 2024 में कौन आने जा रहा है, भाई अभी तक आप ये समझो जिस पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं हो पाया वो देश का प्रधानमंत्री देगा, ये सोचने वाली बात है ना। आप कॉपी कैट वाला सिस्टम नहीं चलता है कि आप बारिश में भींग के आप जो है वहाँ जाके आप प्रवचन दे दोगे तो लोग तुम आपके पीछे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या नाम है मैम आप? जी अनु तिवारी। कैसा लगा इंडिया गेट? अच्छा लगा। अच्छा 2024 में इलेक्शन होंगे तो किसे चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री आप? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है? बहुत कुछ परिवर्तन किए हैं जी। क्या देखो भारत जोड़ने की बात हो रही है ना, भारत तो वहाँ से जोड़ना चाहिए ना जहाँ से तोड़ा गया है, तो भारत तो इनकी दादी ने ही तोड़ा था, इनके दादा ने तोड़ा, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, भाई उन्हीं के प्रधानमंत्री काल में जब शुरुआत कर रहे थे तभी तो 1947 में वो प्रधानमंत्री काल शुरू हुआ, इंडिया से टूट के पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद बांग्लादेश जो उनकी दादी ने तोड़ा, तो उनको भारत जोड़ना है तो वैसे जोड़े ना, बाकी तो 28-29 राज्य जुड़े हुए हैं भाई एक दूसरे से, अलग थोड़ी हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप जब यहाँ से दिल्ली से उठ के हिमाचल प्रदेश जाते हो तो वीज़ा थोड़ी लगता है हम लोग को, हम तो जा सकते हैं ना, जुड़ा हुआ है सब कुछ, वो सिर्फ ये नौटंकी है और कुछ नहीं है। क्या है कि हर बार विपक्ष इनको बोलता था कि अरे यार ये चुनाव ख़त्म होते हैं फिर ये उठ के कहीं गायब हो जाते हैं, अभी फिर हो जाएंगे एक बार इनके प्रदेश, पहले तो ये अध्यक्ष तो चुन लें, अभी 19 अक्टूबर को अध्यक्ष भी आ जाएगा तो अध्यक्ष चुन लें, उसके बाद अभी इनका आदत है यार वो शुरू से वो रिमोट कंट्रोल पे, जब इन्होंने प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल पे चला लिया तो इनको तो आदत है ना कि रिमोट कंट्रोल पे ही चलाना चाह रहे हैं सब चीज़। अच्छा केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो भी दिल्ली से निकल के पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में अब राज गुजरात में दावा ठोक रहे हैं, वहाँ भी सरकार बनाने की दावा ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? यार देखो दावा ठोकना अलग बात होता है,
ठीक है, दावा ठोकना अलग बात होता है। मैं बताऊं दिल्ली की पब्लिक ने उनको क्यों चुना या पंजाब की पब्लिक ने क्यों चुना, ये सबको पता है। ठीक है, दिल्ली की पब्लिक ने उनको चुना इसलिए, मैं खुद हूँ, मैं दिल्ली का ही नागरिक हूँ, लेकिन दिल्ली की पब्लिक ने चुना किस लिए? उन्होंने पहले बोला बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है। पब्लिक ने ये नहीं सोचा कि बिजली और पानी फ्री करने के बाद, जब आप बिजली और पानी फ्री कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कितना लॉस आ रहा है। ठीक है, वो बिजली जो उत्पादन करती है ना, और वो जो बेचती है, वो तो उसी सेम रेट पर दे रही है ना। फ्री तो उन्होंने दारू भी करी थी, एक के साथ एक फ्री। हाँ, तो बस पकड़ा रहे हैं ना, बिजली में भी पकड़ाएंगे, पानी में भी पकड़ाएंगे। अभी धीरे धीरे देखो तो सही, अभी चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें खुल रही हैं, धीरे धीरे और खुलेंगी, और खुलेंगी। 2024 तक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नाम जो सामने दिख रहा है ना, ये हो ही ना, ये हो ही ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि 2024 तक ये अंदर हूँ, फिर कौन सी दावेदारी, अंदर बैठ के थोड़ी दावेदारी करेंगे। तो है नहीं कोई रेस में, सिर्फ दिखाने वाली बात है। ठीक है, देखो क्लास में जब मॉनिटर चूज़ किया जाता है ना, जिसमें पहले हमारे समय में क्लास में मॉनिटर चूज़ किया जाता था, तो वो मॉनिटर चूज़ करने के रेस में बहुत लोग अपने आप को बोलते थे, भाई मैं भी टीचर का अच्छा हूँ, मैं भी जो है टीचर का बहुत बात मानता हूँ, मैं भी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, मैं भी हूँ उस रेस में। मॉनिटर ही बनता था, और वो वही बनता था जिसको टीचर समझती थी। तो आज के डेट में टीचर जो है वो जनता है, और जनता को पता है, जनता को पता है कि कौन काम कर रहा है। और मतलब मैं गलत ना बोलूं, ऐसा भी हो सकता है कि 2024 तक जिस चीज़ को लेके ये लड़ना चाह रहे हैं ना, मोदी जी वैसा करके निकल जाएंगे जिसके बाद, मतलब अगले 5 साल तो छोड़ो यार, अगले 20 साल तक इनको कुछ छूने नहीं जा रहा। अगर POK आ गया फिर इनके पास कौन सा मुद्दा रहेगा? फिर ये जोड़ते रहें भारत और करते रहें फ्री। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, बच्चों को लाई हूँ घुमाने के लिए। बदलाव कितना दिखा यहाँ? बदलाव तो है, थोड़ा सा ही है, अब अंदर जाती तो दिखता बदलाव तो मुझे। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? कैसा मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, कौन होना चाहिए? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, या फिर मोदी? दो मैं तो मोदी को ही देखना चाहूँगी। हाँ, आप किसको देखना चाहते? मोदी जी को ही। मोदी आप? मोदी जी। मोदी। और आप? मैं भी मोदी को। अभी आप सारे लोग मोदी को, क्यों मोदी को देखना चाहते हैं? क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? क्या अच्छा काम? हमारे लिए, इंडिया के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता के लिए। जी। वो एक लोग को देखें या सारी इंडिया को देखें, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो हैं प्रधानमंत्री की रेस। तो प्रधानमंत्री की रेस में रहते कहाँ हैं, वो पीछे ही रहते हैं, पीछे रहते हैं ना वो। छोड़ रहे हैं, निकल ओ अध्यक्ष पद का, वो अपना क्षेत्र तो छोड़ के अलग से रह रहे हैं। जो अध्यक्ष बनने का उनका मौका है, अभी उनको अध्यक्ष बनना चाहिए था, तो वो नहीं बन रहे हैं ना। राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे, वो नहीं बन पाएंगे, नहीं। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल भी रेस में है, केजरीवाल के बारे में नहीं, हम तो मोदी जी के बारे में कहेंगे, बस मोदी जी। हाँ, मैं भी मोदी जी को ही कहूँगी। ठीक, थैंक यू।